इस समय आप ये बड़ी खबर देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर करनाल में लगातार जो बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी, और आप देख सकते हैं बाइक चोर गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। 7 चोरी की मोटरसाइकिल इनसे मिली है। हमारी आप सभी से अपील है, ज्यादा से ज्यादा लोग इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ और ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर करें। तो इस समय आप ये तस्वीरें देख रहे हैं करनाल पुलिस के CIA 1 कार्यालय से, जहां पर आप देख सकते हैं बाइक चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश करनाल पुलिस ने किया है। गौरतलब है पहले भी लगातार कई गैंग्स जो है पकड़े जा चुके हैं जो इस तरह से बाइक चोरी करते थे, और सबसे बड़ी बात है कि करनाल से नहीं बल्कि हरियाणा के कई जिलों से जो है उन्होंने बाइक चोरी कर रखी थी, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से 7 चोरी की मोटरसाइकिलें, जिसमें तकरीबन मोटरसाइकिलें प्लेटिना है, पल्सर है, स्प्लेंडर है और बुलेट मोटरसाइकिल भी जो है इन्होंने चोरी कर रखी है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर कीजिएगा। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं करनाल पुलिस के CIA 1 कार्यालय से, किस तरह से बाइक चोरी गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 7 चोरी की मोटरसाइकिलें पकड़ी गई हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। ये बड़ी खबर इस समय हरियाणा के करनाल से आप देख सकते हैं, जहां पर बाइक चोरी करने वाले गैंग का CIA 1 पुलिस ने पर्दाफाश किया है और किस तरह से 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से 7 चोरी की मोटरसाइकिलें पकड़ी गई है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देखते रहिए। हमारी आप सभी से अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। ये बड़ी खबर इस समय देख सकते हैं कि किस तरह से करनाल पुलिस के CIA 1 कार्यालय पर हम मौजूद हैं। हम आपको बताना चाहेंगे इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से करनाल पुलिस की CIA 1 शाखा के एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड को कामयाबी हासिल हुई है और 7 चोरी की मोटरसाइकिलें, जिसमें आप देख सकते हैं बुलेट है, स्प्लेंडर है, प्लेटिना है और जो 2 बाइक चोर गैंग के सदस्य हैं उनको भी जो है काबू किया गया। हमारी आप सभी से अपील, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खबर को जरूर शेयर करें। एक बड़ी खबर जो है हरियाणा के करनाल से आप देख सकते हैं, जहां पर आप किस तरह से आप देख सकते हैं बाइक चोरी करने वाले गैंग के 2 सदस्यों को भी जो है करनाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये लाइव तस्वीरें समय आप देखते रहिए और किस तरह से आप देख सकते हैं जो 2 बाइक चोर हैं उनको भी जो है काबू किया गया है। इनके कब्जे से 7 चोरी की मोटरसाइकिलें पकड़ी हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक पल्सर अपाचे मोटरसाइकिल है, एक स्प्लेंडर है, 3 प्लेटिना है और एक बुलेट मोटरसाइकिल है और एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील, ज्यादा से ज्यादा लोग इस खबर को शेयर करें। बाइक चोरी करने वाले एक बड़े गैंग का पर्दाफाश करनाल पुलिस ने किया है। एक सेकंड, हम दे देंगे बढ़िया। तो ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं CIA के जो इंचार्ज है एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड के रोहतास सिंह, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, एक और बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश हुआ है, कितनी मोटरसाइकिलें और क्या कुछ जानकारी? ये हमने SP साहब ने, हमारे सुरेंद्र सिंह भोरिया साहब ने, मोटरसाइकिल चोरी पर अंकुश लगाने के लिए CIA 1 करनाल में व्हीकल थेफ्ट स्टाफ बनाया, जिसका इंचार्ज मेरे को लगा रखा है। और हमने 5 तारीख को गुप्त सूचना के आधार पर 2 आरोपी हैं, एक करण और एक रवि, जो दोनों इंद्री के पास गांव डोंगरा के रहने वाले हैं, इनको चोरी की मोटरसाइकिल सहित यहां बाईपास से गिरफ्तार किया था। इनसे पूछताछ की, अगले दिन अदालत में पेश करे, जो एक दिन का पुलिस रिमांड लिया, दौरान रिमांड इन्होंने टोटल 7 मोटरसाइकिल इनसे बरामद हुई हैं, जो 2 हमारे यहाँ के मुकदमे दर्ज हैं, बाकी के बारे में पता चोरी करें अभी कहाँ से कहाँ चोरी। तो आगे क्या क्या कार्रवाई की जाएगी? आज इनका रिमांड समाप्त है, अदालत में पेश करके जिला जेल करनाल भेजेंगे। तो ये तस्वीरें समय हमने देखी, जहां हमने आपको पहले बाइक चोरी गैंग के बारे में बताया और आप देख सकते हैं कि CIA 1 शाखा की ही एक टीम ने एक
जो टावर चोर था उसको पकड़ा है, और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जो टावर में से जो बैटरी चोरी किया करते थे उनको जो है पकड़ा गया है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि इसके पास से दो बैटरियां भी बरामद की गई है, और आसपास के जितने भी जो टावर लगा करते थे उसमें बड़े शातिराना तरीके से जो इन बैटरियों को उतारा जाता था, उनको बेच दिया जाता था। हालांकि इसके गैंग के कुछ और लोग भी जो है काबू आ सकते हैं, इसको जो है रिमांड पर लिया जाएगा ताकि अन्य लोगों के बारे में भी जो है पता लगाया जा सके। इस समय जो CIA की जो टीम के सदस्य हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, कैसे बैटरी चोरी करते थे और क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने एक गाड़ी सेंट्रो PB08AB03001 खरीद रखी थी, उसमें ये लोग गैंग बना करके अपने साथियों के साथ बैटरी टावर पे ऊपर रात को जाते थे और टावर से बैटरियां चोरी करते थे, बैटरियों को यूपी और दिल्ली में ले जाकर बेच देते थे। तो दिनांक 5 तारीख की बात है, 5 तारीख को इनको हमने पकड़ा है। इससे पहले इन्होंने बीड़ा गाँव के टावर से 2 बार, जो अब दूसरी बार है इसमें ये मतलब कामयाब नहीं हुए, 11-11 बैटरियां मौके पर छोड़े से ले गए। इससे पहले उसी टावर से इन्होंने बैटरियां चोरी की थी। इसके 3 साथी और हैं, उनके नाम 2 लाख माजरा के हैं, एक जींद करने वाला बुढ़ावा बस्ती का। इसे 2 बैटरियां बरामद हो चुकी है, 3 मुकदमे गिरफ्तार हो चुका है। इससे पहले भी इसने कैथल में ऐसी वारदात की थी जिसमें पकड़ा गया था और वहाँ से जमानत पर चल रहा है। तो ये आपने देखा कि किस तरह से 3 लोग हैं जिन्होंने इन टावर में से बैटरी चोरी की वारदातों को जो है आप देख सकते हैं अंजाम दिया था। 1 सदस्य को काबू कर लिया गया है, 2 सदस्य अभी फरार हैं और जल्द से जल्द उनको भी जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमारी आप सभी से अपील, ज्यादा से ज्यादा लोग इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। और हम आपको बताना चाहेंगे कि इस समय जो बाइक चोरी एंटो ऑटो थेफ्ट स्क्वाड के जो इंचार्ज है रोहतास सिंह भी हमारे साथ मौजूद है। सर, जो बाइक चोरी की वारदातें पकड़ी हैं, 7 चोरी की मोटरसाइकिलें हैं, 2 लोग काबू किए हैं, उस पर क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? सर, ये हमारे SP साहब हैं सुरेंद्र बोरिया साहब, इन्होंने करनाल जिले में चोरी की वारदातों को देखते हुए CIA 1 करनाल में एंटी व्हीकल थेफ्ट स्टाफ बनाया है जिसका इंचार्ज मेरे को लगा रखा है। हमने गुप्त सूचना के आधार पर 5 तारीख को 2 आरोपी हैं, एक करण और एक कमल, जो इंद्री के पास डूंगरा गांव के रहने वाले हैं, इनको बाईपास से चोरी की मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया था। इनसे सख्ताई से पूछताछ करी और अगले दिन अदालत में पेश कर 1 दिन का पुलिस रिमांड लिया। दौरान रिमांड टोटल इनसे 7 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं, जो आज इनका रिमांड समाप्त है और जेल में भेजा जाएगा जिनको। तो ये आपने देखा कि किस तरह से करनाल पुलिस के CIA 1 कार्यालय से मौजूद है, जहां पर एक बाइक चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया, वहीं एक टावर में से बैटरी चोरी करने वाले एक गैंग को पकड़ा है जिसके 1 सदस्य को काबू कर लिया गया है, अन्य 2 सदस्य भी फरार बताए जा रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील, ज्यादा से ज्यादा लोग इस खबर को शेयर जरूर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।